गुफाएं हैं, कहीं शीतल हवाएं हैं, कहीं ठंडी गुफाएं हैं। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। भक्त मित्रों, एक बार फिर से नई और ताज़ा वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस पल का आप सभी को इंतज़ार है, तो वो इंतज़ार हुआ ख़त्म और आप देख रहे हैं माता वैष्णो देवी का ये भवन का रात्रि के समय जगमगाता हुआ ये खूबसूरत दृश्य। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी उपस्थिति, अपने शहर, अपने राज्य का नाम ज़रूर लिखें, ताकि इसी बहाने मुझे पता चले कि मेरे चाहने वाले कहां कहां से जो मेरी वीडियोस देखते हैं। और अगर आप चाहें तो अब आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे मित्र जो है नए स्पेस से जुड़े हुए हैं, उन मित्रों से मैं अपना परिचय साझा करना चाहूँगा। साथियों, मैं सोमनाथ शर्मा, जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर से आप सभी मित्रों का अपनी ओर से व समूचे परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप भी हमेशा एक डिजिटली तरीके से सपोर्ट करते रहिए, कि लाइक करना, शेयर करना वीडियो को। और कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे चाहने वाले हैं जो हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं मेरे इस काम को। और मैं चाहता हूँ कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे और भी सदस्य जो हैं मुझे हमेशा प्रेरणा का सूत्र मेरे लिए बने, यही मेरी उम्मीद रहती है। बाकी इसके अलावा एक लोकल नागरिक होने के नाते ये प्रयास रहता है कि आप लोगों को मौसम के संबंधित जानकारियां जो ताज़ा तरीन दी जाएं, खासकर जम्मू कश्मीर के बारे में। साथ साथ में एक रियासी ज़िले का नागरिक हूँ, तो यात्रा से जुड़ी भी जानकारियाँ देने का पूरा प्रयास रहता है। और आप सब जानते हैं माता वैष्णो देवी यात्रा ही नहीं बल्कि शिवकुड़ी की यात्रा को भी मद्देनज़र रखते हुए वहाँ से भी कुछ जानकारियाँ जो भी आती हैं, तो वो अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से देने का पूरा प्रयास रहता है। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप सबसे आग्रह है कि यूट्यूब चैनल डेली यात्रा ब्लॉग्स को सर्च करके सब्सक्राइब करें। साथ में आप लोग अगर कोई पर्सनली कोई यात्रा से जुड़ी, मौसम के संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पेज डेली यात्रा ब्लॉग को फॉलो करें और अपना सवाल यानी अपना प्रश्न जो है आप संदेश के द्वारा भी पूछ सकते हैं। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि अपने काम से जितना भी समय निकाल के तो आप लोगों के उत्तर देने का सही समय के साथ, सही जानकारियों के साथ पूरा प्रयास रहता है। तो फिलहाल आप लोग अपने शहर, अपने राज्य से एक डिजिटली तरीके से माँ भगवती के शाम के वक्त के जगमगाते हुए इस भवन के खूबसूरत अलौकिक मनमोहक दृश्य देख सकते हैं नज़ारा। और मेरी भी एक माँ भगवती से यही प्रार्थना रहती है कि माँ हम सब बच्चों को हमेशा खुशियों से गतिमान रखना। वही बात करें यात्रा के लिहाज से, तो आज की अगर बात करें तो दिन भर जो है रुक रुक कर बारिश जो है चलती रहती है, क्योंकि बरसात का मौसम जो है ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। और आप सभी श्रद्धालुओं से, आप सभी चाहने वालों से निवेदन है कि रेनकोट का ज़रूर प्रयोग रखें ट्रैकिंग में, यात्रा में, रास्ते में, ताकि कभी भी किसी की समय में जो है बारिश आ सकती है। इसके अलावा यात्रा लगातार निरंतर चल रही है, यात्रा में कोई भी बाधा नहीं है। हेलीकॉप्टर की सेवा जो है यानी चॉपर की सेवा है, बहुत अगर बारिश रहती है, मौसम अगर खलबल देता है, तो वैसे उस कारण जो है हेलीकॉप्टर की सेवा को स्थगित करना पड़ता है। और आम श्रद्धालुओं, सभी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से जो जाने वाले होते हैं उन्हें भी पैदल यात्रा करना पड़ती है। ऐसे में अगर मौसम ठीक रहता है तो यात्रा हेलीकॉप्टर से भी चलाई जाती है। तो ये थी ताज़ा तरीन जानकारियाँ, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई सोमनाथ शर्मा को हमेशा सपोर्ट करें, लाइक शेयर। चैनल का आप सबको नाम बता दूँ एक बार फिर से, डेली यात्रा ब्लॉग। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी, जय करण शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय।